वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किचन। आज कुछ मीठा बनाएंगे और वो है रसमलाई। यहाँ हमने 1 लीटर काऊ मिल्क ली है। 30-40 मिनट्स दूध को अच्छे से उबाल के गाढ़ा करना पड़ेगा, फिर इसमें डालेंगे हम तेजपत्ता। यहाँ हमने 4 हरी इलायची ली है। यहाँ हमने 1 अंडे ली है, अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे और जो हरी इलायची हमने ली थी उसे दूध में डाल देंगे। तो यहाँ हमने अमूल स्प्रे ली है 27 ग्राम। अभी इसे हम अलग से रख देंगे और देखेंगे मिल्क गाढ़ा हुआ कि नहीं। अभी अमूल स्प्रे के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके अंडे को डालेंगे। बहुत ही अच्छे से हम मिक्स करेंगे, देखना पड़ेगा कि बैटर पतला ना हो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम डाल रहे हैं। थोड़ा और हम अंडे को डालेंगे, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये ज्यादा पतला भी नहीं है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो मिल्क को हमने यहाँ अच्छे से बॉईल कर ली है। अभी इसमें जाएगा चीनी, 4 से 5 टेबलस्पून चीनी हम डाल रहे हैं। आप चीनी इससे कम या ज्यादा डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अभी इसको हम थोड़ा और उबालेंगे। मिल्क पूरी तरह उबालने के बाद ही अब चीनी डालिए। यहाँ हमने एक प्लेट ली है, उसमें घी ब्रश करेंगे और जो बैटर हमने बनाए थी उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रखेंगे। आप बैटर में थोड़ा घी भी डाल सकते हैं। आप प्लेट पे ब्रश की मदद से भी ब्रश कर सकते हैं या हाथों से भी कर सकते हैं। बस अभी हम दूध में ये बॉल्स डालेंगे। हल्के हाथों से हम इन बॉल्स को डाल देंगे। तो ऐसे करके हम सारे बॉल्स को डाल देंगे। और इसे 10-15 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ दीजिए और इसे स्टर मत कीजिए, मत हिलाइए। आफ्टर 10-15 मिनट्स ये ऐसे ऊपर चला आएगा, तब आप स्पून की मदद से देख सकते हैं कि ये हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये रेडी है, लेकिन हम मिल्क को थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, इससे टेस्ट बढ़ता है। अगर आप रसमलाई बना रहे हैं तो फुल क्रीम मिल्क यूज़ कीजिए, टोंड मिल्क से वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं स्पून को डाल रही हूँ, आप स्पून से ज़्यादा हिलाइए मत। आपको मिल्क जितना गाढ़ा चाहिए आप उतनी देर इसे उबालिए। कोलकाता में रसमलाई बहुत ही एक फेमस मिठाई है। सो एज यू कैन सी इट इज़ डन। मैं कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पूरी तरह पक चुका है और बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे घर पर एक बार ज़रूर बनाएं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।